तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के सामने दोस्तों मैं एक बार फिर से आया हूँ जीके को ही लेके, कि किस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पूरे सीरीज में हम बात करेंगे कि जीके को किस तरीके से हम आसान बना के याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले मेरा पहला वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक के बारे में बात किया हुआ है कि किस तरीके से हम किसी भी जीके को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम उन्हीं ट्रिक के बारे में बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों, हमारे यहाँ पे 28 राज्य हैं, इन टोटल 2800 राज्यों में कितने विधानसभा, कितने विधान परिषद हैं, उनमें कितने सीट्स होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और किस तरीके से उसको आसानी से तरीके से याद कर सकते हैं, इस ट्रिक के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां आपके सामने बोर्ड पे 14 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप सिर्फ पढ़ाई करिए और बाकी चीज मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं कोई भी जीके हो किसी भी तरीके का, मैं आपको वीडियो अपलोड करा के दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला दिया हुआ अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। दोस्तों, मैंने इसको पूरा साथ में लिखा हुआ है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और विधानसभा। दोस्तों, आप सबको ये पता है कि केवल 7 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, सिर्फ और सिर्फ 7 राज्य ऐसे। तो उन 7 राज्यों के मैं एक अच्छे से आपको बता दूंगा, अलग वीडियो नहीं बनाएंगे, इसी में बताएंगे और हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से उन 7 राज्यों के दोनों हाउसेस को याद करना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, पहले मैं ये बता देता हूँ। तो मैंने आपको दोस्तों 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनको हम साथ में याद करेंगे, क्योंकि दोस्तों इन सब में एक ही हाउसेस है, वो है विधानसभा। और उस विधानसभा में दोस्तों 60 सीटें हैं। कितने सीटें हैं दोस्तों? 60 सीटें हैं। तो इस 60 सीटों को हम कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों, अगर आपने मेरा निमोनिक्स वाला वीडियो देखा हुआ है तो वहां पे मैंने बताया हुआ है कि 60 को हम कैसे याद कर सकते हैं, चेस, क्योंकि दोस्तों 6 को हम क्या लिख सकते हैं, जे, जी, सी एच और एस एच, और 0 को क्या लिख सकते हैं, जेड और एस। तो मैंने यहाँ से एस उठाया हुआ है और सी एच उठाया हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया चेस। अब यहाँ पे डबल एस है, लेकिन दोस्तों हम एक ही एस लेंगे 0 करके और सी एच से 16, तो ये बन गया 16। पर दोस्तों, हम इसको याद कैसे करेंगे 5 राज्यों में, कि 5 राज्यों में 60 सीटें होती हैं सिर्फ विधानसभा में? आइए दोस्तों की स्टोरी बताता हूँ। तो दोस्तों, पहला अरुणाचल, आप ऐसे इमेजिन करिए कि अरुणा नाम की एक लड़की है, अरुणा नाम की एक लड़की, उसको चेस खेलना बहुत पसंद है। अब वो चेस खेलने के लिए घर से निकल रही है, तो जब अरुणा घर से निकली तो उसको सामने एक सांप मिला। क्या मिला दोस्तों? नाग, एक नाग मिला, ठीक है। उसको, उसका नाम था नागालैंड, ठीक है, नाग से नागालैंड याद करेंगे। अरुणा नाम की लड़की, अरुणाचल, नाग, वो रास्ते में जा रही थी, उसको नाग मिला और वो नाग उसको काटने वाला था, तभी उसने एक मड़ी निकाल के उसको दे दी। उसने बोला कि मुझे काटो मत, मैं आपके लिए मड़ी लाई, और उसने उसको मड़ी दे दिया। तो नाग मिला, उसने उसको क्या दिया, मणि, मणिपुर, मणि से मणिपुर। अब जब उसने मणि दे दिया तो सांप ने उसको काटा नहीं। अब वो आगे जाने लगी, आगे जाने लगी तो बारिश होने लगी, मेघ, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत तेज मेघा होने लगी, बारिश होने लगी, और उस लड़की के पास तीर था। उसने तीर ऐसे किया और ऊपर की तरफ खींच के मारा बादल में, और बादल पूरा फट गया और बारिश बंद हो गई। देखिए दोस्तों, जितना फनी बनाएंगे उतना जल्दी हमको याद होगा। तो उसने क्या मारा, तीर मारा, तीर पूरा मार दिया, तीर मारा, वो बादल में गया और पूरा फट गया। तो अरुणा नाम की लड़की थी, वो जा रही थी चेस खेलने, उसको बीच में नाग मिला, नाग को उसने मणि दिया, मणि से मणिपुर, फिर उसने आगे गई तो मेघा, बारिश होने लगा और उसने तीर मारा तो पूरा बारिश बंद। तो दोस्तों, इस तरीके से स्टोरी को याद करना है। तो ये 5 आपको एक ही ट्रिक में याद हो गया। ये 5ों का आंसर है 60, 60। क्या खेलने जा रही थी वो? चेस। तो 60 से चेस बना सकते हो। आगे दिया हुआ दोस्तों असम, असम से कैसे बना सकते हो? तो असम, असम को याद कर सकते हो दोस्तों असमान, ठीक है, असमान से दूंगा, ठीक है, समान याद कर लो, असम, समान, समान से, समान से क्या हो जाएगा दोस्तों, समान में, असम में दोस्तों विधानसभा में 126 सीट होती है, 126 को डिकोड करेंगे तो आएगा दूंगा। क्या आएगा दोस्तों? दूंगा। तो दोस्तों 126 पे दूंगा आ जाएगा, असम, मैं असम से समान, मैं आपको समान क्या करूंगा, दूंगा, मैंने आपको समान क्या किया, दूंगा, मैंने बोला कि मैंने आपको समान दूंगा, तो दूंगा से क्या जाएगा, डी से 1 और एन से 2 और जी से 6। ये दोस्तों निमोनिक्स है, ये आपको अगर नहीं देखा हुआ है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सारी वीडियो वहां पे जाके देख लें, ठीक है। अब दूसरा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से मैंने आपको याद कराया था अंधा, आंध्र प्रदेश, अंधा। अब दोस्तों इमेजिन करिए, सोचिए कि एक अंधा आदमी रोड पे आ रहा है और उसने नुपुर मेहंदी लगाई हुई है। कौन सी मेहंदी लगाई हुई है? नुपुर। अब वो नुपुर मेहंदी है और आपके पास चला आ रहा है, मतलब उसने पूरा शहर में नुपुर मेहंदी लगाया हुआ है और आपके पास चला आ रहा है बिना देखे, क्योंकि उसको दिख तो रहा नहीं, वो अंधा है, तो वो
आपके पास चला आ रहा है। तो मैंने बोला कि अरे संभल जा, अंधा आदमी तेरे सामने आ रहा है नुपुर मेहंदी लगाया हुआ। तो उसको कैसे याद करेंगे, अंधा आदमी नुपुर मेहंदी, नुपुर से हो जाएगा 294, एन से 2, बी से 9 और आर से 4। तो नुपुर मेहंदी लगा के किसके पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है। तो विधान परिषद में कितनी सीटें होती है, 90। कहां पे, आंध्र प्रदेश में। आगे उड़ीसा, उड़ीसा से याद करो उड़ गया, ठीक है, उड़ीसा से उड़ गया, तो उड़ गया सॉरी उड़ीसा से आप इसको डिश याद कर सकते हो, मैंने आपको डिश याद कराया था, उड़ीस उड़ीस, ठीक है, डिश डिश मतलब कोई खाना बनाना, ठीक है, डिश, तो उड़ीस उड़ीस। तो आपने एक ऐसा डिश बनाया जिस जो कि आपके घर में कोई नहीं खा रहा है, आपने एक ऐसा डिश बनाया जिस जो कि घर में किसको पसंद नहीं, किसी को अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ आप खा रहे हो। तो आपने अपने बगल में एक डॉक्टर होता है, आपने उस डॉक्टर के पास गया, गुस्से में बोला ये डॉक्टर इसको खा और बता कैसा है, ठीक है, किसके पास गए आप, डॉक्टर के पास, उसको क्या बोला, खा डॉक्टर खा, क्योंकि वो डिश कोई नहीं खा रहा था, तो आपने बोला अगर डॉक्टर को अच्छा लगेगा, अगर वो हेल्दी रहेगा तो डॉक्टर हाँ बोल दे तो सबको खाना पड़ेगा। तो 146 पे क्या है, डॉक्टर खा। आगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का है रस्म। आप शादी कहाँ करते हैं, आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप शादी सिर्फ उत्तर प्रदेश में करेंगे, बाकी कहीं नहीं, आप कहीं के भी रहने वाले हो लेकिन आप शादी कहाँ करेंगे, उत्तर प्रदेश में ही करेंगे। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपकी शादी हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, सॉरी उत्तर प्रदेश में रस्म, तो शादी की एक रस्म होती है, तो वो रस्म करवा रहे हैं आपके पापा, कौन करवा रहा है, आपके पापा वो रस्म करवा रहे हैं। तो रस्म से क्या हो जाएगा, 403, आर से 4, एस से ओ और 3 से एन, तो रस्म कौन करवा रहा है, आपके पापा, पापा से क्या हो जाएगा 99। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा तो आपको बहुत आसानी से याद होता रहेगा, क्योंकि 99 पे पापा मैंने आपको जब 100 नंबर्स याद करने होते थे उसमें मैंने बताया हुआ था, ठीक है। आगे उत्तराखंड, अब उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में है कि आप अगर उत्तर देंगे तो आपको खंड खाने को मिलेगा, क्या मिलेगा, खंड, ठीक है। तो अगर आपने उत्तर दिया तो आपको खंड खाने को मिलेगा, लेकिन आपने उत्तर नहीं दे पाया, आप एग्जाम में उत्तर नहीं दे पाए, उत्तराखंड गए थे उत्तर देने के लिए क्योंकि आपको खंड मिलता था, लेकिन आपने उत्तर नहीं दे पाया, तो आप बोल रहे हो कि काश काश अगर मैंने उत्तर दिया होता तो मुझे खंड खाने को मिलता था, ठीक है। तो आपने श्रीखंड नहीं खा पाया क्योंकि आपने उत्तर नहीं दिया, तो आप बोल रहे हो कि काश मैं उत्तर दिया होता तो आज मैं खंड खाया रहता। अब कर्नाटक, कर्नाटक में दोस्तों होता है 224 सीटें, ठीक है, कितने होती है 224 सीटें। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि 224 सीटों को मैंने रिकॉर्ड किया तो नाना रोए, नाना रोए, तो 224 सीटों में नाना रोए कैसे हो गया, आपने आज नाटक इतना किया ना, आप नाना को बोल रहे हो कि नाना आप बहुत नाटक करते हैं, तो नाना ने बोला क्यों, तो आपने बोला कि जब आप पी लेते हो तो आप बहुत नाटक करते हो। उसने बोला कब नाटक किया, बोला कल, कभी नाटक किया कल, तो उसने बोला नाना रोए, क्यों रोए, बोला कि नाना आपने कल जब पिया था, मतलब समझ रहे हो क्या पिया था, ठीक है, तो नाना जब पी लेते हैं तो वो बहुत रोते हैं। उसने पूछा कब रोया था, तो उसने बोला कल, नाना ने बोला कल रोया था, तो उसने बोला कर्नाटक आप बहुत नाटक करते हैं क्योंकि आप कल पी के रो रहे थे कल, ठीक है, नाना रोए कल, कर्नाटक नाटक किया नाना ने और नाना रोए, कभी रोए कल रोए, ठीक है, तो कर्नाटक, नाना रोए कब रोए कल रोए, तो कर्नाटक से कर्नाटक बहुत नाटक करते हैं, ठीक है, ऐसा। केरल, केरल होता है केरला, ठीक है, या करेला बोल दो, करेला, केरल से करेला, आप ऐसा इमेजिन करिए करेला खाने के लिए आप तरस रहे हो, मतलब आपको इतना ज्यादा पसंद है करेला कि आप तरस जा रहे हो, ठीक है, तो करेला से क्या हो जाएगा तरस, आप बहुत तरस रहे हो करेला खाने के लिए, ठीक है, तो करेला से क्या हो जाएगा तरस रहे हो आप करेला खाने के लिए। गुजरात, गुजरात से मैंने बताया था गुजारा रात, क्या बताया था गुजारा रात, तो आपने एक ऐसी जगह पे रात गुजारी जहां पे बहुत तूफान था, क्या था बहुत तूफान, तूफान से होता है 182 तूफान, ठीक है, 182 तूफान, तो आपने वहां रात गुजारा जहां पे दोस्तों बहुत तूफान था, तो गुजारा रात तूफान, तूफान को डिकोड करेंगे क्या जाएगा 182, ठीक है। अब लास्ट गोवा है दोस्तों, गोवा आपको दिखता नहीं रहेगा, मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, गोवा, गोवा में दोस्तों है 40 सीटें हैं और इसको हम याद कर सकते हैं रोज, क्या दोस्तों याद कर सकते हैं रोज, रोज मतलब कि आप गोवा गए घूमने के लिए, गोवा बहुत फेमस है घूमने के लिए, तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप गोवा गए घूमने के लिए, आपको वहां पे एक लड़की ने रोज दिया, आपको एक लड़की ने क्या दिया रोज, ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो लड़के ने रोज दिया, ठीक है, तो क्या दिया आपको रोज दिया।
14 कहाँ गए थे घूमने के लिए, गोवा। तो दोस्तों ये होगा टोटल 14, इसके जस्ट अगले वीडियो में बात कर लूंगा और 14 की फिर 28 हो जाएंगे दोस्तों, टोटल 28 मैं आपको करवा के दूंगा दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जो भी डाउट्स होते हैं दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों बात रही इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ दोस्तों आप बोर्ड पे जब देखते हो लिखे हुए हैं तो आप इनको कॉपीराइट देख के लिख सकते हो दोस्तों, अगर आप नहीं लिख सकते हो तो दोस्तों मैं भी कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ में अवेलेबल करा दूं, अगर हो सके पॉसिबल तो दोस्तों बोर्ड से आप प्रैक्टिस करके लिखिए, अगर नहीं होगा तो मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा जैसा एनवायरमेंट होगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करो यार और सब्सक्राइब करना मत भूलो, सब्सक्राइब कर दो अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर यहाँ तक आप पहुंच चुके हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।